जय माता की। जय माता दी, जय माता दी गुरु। सर जी, मुझे कुछ शिकायत, आप पंडोकर धाम की वीडियो क्लिप करते हैं ना जी? हाँ तो सर, मैं भी वहां से बहुत पीड़ित हूँ और बड़ा परेशान हूँ। मैं भी अपने सर कुछ भावनाएं रखना चाहता हूँ जो वहां तक पहुंचे और समस्त संसार को पहुंचे, ताकि सच्ची एक हो पब्लिक कुछ। आपका परिचय सर, जी सर, आपका परिचय। मेरा परिचय सर, मैं राहुल पांडे, यूपी मुरादाबाद। यूपी मुरादाबाद। जी, यूपी अच्छा मुरादाबाद से बोल रहा अच्छा अच्छा हूँ। हाँ पांडे जी, जी बताइए क्या कहने चाहते हैं। सर, मेरा कहने का अर्थ यह है कि सर, मैं 2020 में गया था इनके पास, इनके पास? 2020 पंडोकर धाम सर। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, पंडोकर धाम गया तो मैंने सबसे पहले वहाँ रसीद कटाई थी सर। अच्छा, रसीद से नहीं पैसे से लगे थे कि फ्री रही? सर, मैंने 21,000 की रसीद कटाई थी सर। अच्छा, 21,000 की। जी हाँ, 21,000 की रसीद कटाई थी। और फिर 21,000 की रसीद कटाने के बाद मैंने उनसे पूछा, मेरे मन में दो तीन क्वेश्चन थे, लेकिन दो तीन क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन का जवाब उन्होंने दिया, जिसमें अच्छा, आधा मुझसे पूछा। ये बताइएगा कि जो आप 21,000 की रसीद कटाए, तो आपको रुकना पड़ा था इसके बाद कि तुरंत मिलने को मिल गया था? 2 दिन रुका था सर, 2 दिन। अच्छा, इसके बाद भी 2 दिन रुकना पड़ा? हाँ, 2 दिन रुका था सर, अच्छा, 2 दिन। मैंने तो वहां इक्कीस रुकने हजार की की रसीद व्यवस्थाएं तो होंगी ठीक ठाक? सर, व्यवस्था व्यवस्था कुछ नहीं, सिर्फ लुटाई है वहाँ पे, हर चीज की लूट खसोट। मतलब किराए पे कम, मतलब उनका कमरा लो तो 2,000 रुपये, जो कमरे अपने यहाँ 100-200 रुपये में अच्छा मिल जाते हैं, मैं 2,000 रुपये में। अच्छा वो अगर हाँ चार्जेज वगैरह ठीक है, तो फिर क्या हुआ आप मिलने के लिए? सर, फिर 21,000 की रसीद में कटाने के बाद उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन बताया कि मुझे धन की प्राप्ति होगी, मेरा गाढ़ा धन प्राप्त होगा। ठीक है सर। अच्छा हाँ, तो पहला क्वेश्चन था मेरे, वो बोले कि गाढ़ा धन तुम्हें प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन था मेरे बच्चे का, वो उन्होंने नहीं बताया। मुझसे पुत्र, मतलब मेरे को संतान नहीं है, तो मैं उस संतान के लिए दूसरा क्वेश्चन गया, नहीं बताया। कोई बात नहीं है, वो पूछने के बाद मैंने उनसे पूछा, बोले नहीं, आप एक काम करो, ललितपुर आओ, दरबार में वहां मिलेंगे, वहां बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। पत्नी को लेके आओ। अच्छा मैं सर दोबारा, मैं दूसरे दिन सर 1,000 किलोमीटर घर आया। एक क्वेश्चन अगर वहां बता देते तो मेरा कम से कम 20,000 रुपये का किराया खर्चा ना बढ़ता। मैं अपनी गाड़ी से गया समझे, तो एक अच्छा गाड़ी में मतलब ललितपुर तक। आप इतना मिलने के बाद वापस पत्नी को लेने घर गए? हाँ, तो मेरा 24 तारीख में नंबर आया था, चौबीस अच्छा तारीख में नंबर इनके पास आया था, और 26 में इनका दरबार था, अच्छा 26 में, 26 27, 25 26 27 ललितपुर में दरबार था इनका। तो ये बोले कि आप दरबार में आना, वो आप ललितपुर आओ, बाकी क्वेश्चन वही बताऊंगा मैं, अगर वहां बता देते तो मेरा 15,000 का वो खर्चा नहीं होता। मैं फिर तुरंत ही तो घर आया, 1,000 किलोमीटर। ये आप अभी तुम मिले थे दतिया में? हाँ हाँ, पहले मिला था मैं दतिया में, पंडोकर धाम में जाके। हाँ फिर वहां 24 तारीख में मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो बोले आप कल ललितपुर आओ पत्नी को लेकर। ठीक अच्छा, है। ललितपुर में उनका अगला कार्यक्रम होगा, तो हाँ, ललितपुर में कार्यक्रम हुआ था, तो वहां मैं पर सर, आपको बुलाया? हाँ, तो अब 1,000 किलोमीटर पहले मैं वापस आया घर, हाँ ठीक तो है। आने के तुरंत ही बाद में, क्योंकि अगले दिन इनका प्रोग्राम था, तो मुझे 25 तारीख में मुझे जाना था, तो हाँ 25 तारीख में तुरंत ही मैंने अपनी, मेरी खुद की गाड़ी थी, उस गाड़ी को लेके मैं और मेरी मैडम और दो तीन मेरे और मिलने वाले, उन्हें भी लेके गया कि मैंने भैया हाँ चलो तुम भी मिल लो चल के, हाँ समझे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे गुरु जी का वहाँ फ्री दरबार लग रहा है, और मुलाकात होगी। हाँ हाँ भैया तुरंत पहुंचा, फिर 1,200 किलोमीटर में दूर ललितपुर, क्योंकि पंडोकर धाम से 200 किलोमीटर दूर है ललितपुर। हाँ तो वहां फिर गया मैं रातों रात, मतलब सोया नहीं, पूरी रात दिन भर चला मैं। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे बता देते तो इतनी दिक्कत मुझे नहीं आती। पहुंचा जी जी ललितपुर, ललितपुर पहुंचा, मुझे पता था कि वहाँ फ्री दरबार है, लेकिन वहां भी फ्री दरबार नहीं था। वहां अच्छा वो सोनू महाराज जी हैं, जो उनके साले हैं, बहनों ही हैं, तो वो बोले कि भाई ऐसे है, फ्री में दरबार में नंबर नहीं आएगा, तुम्हारा रसीद कटाओ। तो हम 3 जने थे, तो हमने, मेरे फैमिली के थे, मैंने कहा हम फैमिली के हैं, एक रसीद से नहीं मिलेंगे, बोले नहीं अलग। तो हम 3 जने थे, तो हमने तीनों ने 72-72 की रसीदें कटाई। हाँ दोबारा कटवानी पड़ी? आपका तो पैसा हाँ पहले तो दे चुके हैं आप। हाँ, दे चुका, फिर 72 की नहीं मिलने दिया मुझे। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बुलाया ललितपुर, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप रसीद कटाओ तो मिलो, ना तो बनना इंतजार करो। और मुझे पता था कि अरे लास्ट दरबार है, इंतजार करता रहूंगा, मैं नंबर आएगा नहीं मेरा। मैं अच्छा बुला, मैंने फिर 15-16 हजार रुपये की रसीदें कटाई, 15-16 हजार रुपये किराए में खर्च करके गया एक क्वेश्चन के लिए। अगर जो वहां अच्छा बता देते तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती।
हाँ रसीद कटाने के बाद इन्होंने दरबार में नंबर आ गया मेरा 1 घंटे बाद, ठीक है। वैसे नंबर नहीं आ रहा था, 1 घंटे बाद दरबार में मेरा नंबर आ गया। मेरे दो साथियों का नंबर भी नहीं आया था, क्योंकि वहां दरबार में लड़ाई हो गई थी तो ये चले आए थे, तो उनके पैसे वैसे भी व्यर्थ हो गए थे, उनकी रसीदों के पैसे भी नहीं मिले तो वो रसीदें भी व्यर्थ हो गई। अच्छा तो मेरी मैडम का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जुड़वा पुत्र होंगे 2 अक्टूबर 2023 को, और बड़ा ताल ठोक के कहा था अच्छा आप में फिलिप जो, 2023 को। हाँ जो आने वाली है, आज से 5 महीने रह गए हैं, अच्छा 5 महीने रह ये गए उनका अभी कहा अभी है। की अभी की मतलब लेटेस्ट वाली बातें हैं। हाँ ये लेटेस्ट वाली बात है कि 5 महीने अभी बकाया, और 5 महीने में आप, कॉमन सी बात है कि 5 महीने में कोई बच्चा को तो कोई पता नहीं होता, 5 महीने में कोई बच्चा थोड़ी होता है। ये तो हाँ तो उसके बाद में कोई बात नहीं है, और बोले आपको 7 अमावस करनी है, ठीक है। इन्होंने जो मैं 2020 में मिला तो उन्होंने 2 साल बाद की डेट दी थी मेरे बच्चों की, कि 2 अक्टूबर 2023 में तुम्हें जुड़वा पुत्र होंगे। हाँ नहीं पर आपने ये कहा ना कि 5 महीने बाद कैसे हो सकते हैं, मैं इसलिए परेशान हुआ। अब सर मेरा कहने का मतलब ये कि आज से 5 महीने रह गए, अच्छा आज से पांच आज महीने से रह पांच गए हैं। महीने रह गए, अच्छा और अच्छा 5 महीने में सर कोई बच्चा नहीं होता, हाँ आप समझ गए, मतलब आपकी मिसेज अभी प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं है प्रेग्नेंट नहीं है, उन्हें कोई प्रेगनेंसी नहीं है। और हाँ मैंने सारे, इन्होंने तो मुझे दवाई उवाई को भी कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने फिर भी दिसंबर, मैंने लगातार उन्हें दवाई भी, बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटलों से दवाई भी खिलाई, समझे। और कोई बीमारी भी हम लोगों में नहीं है, कोई रोग भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी मेरे कोई गर्भ नहीं थे। मैंने समझ गया, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप केवल 5 महीने उनकी बात जो उन्होंने लिखी है कि हाँ आपको जुड़वा बच्चे होंगे, तो उसके केवल 5 महीने रह गए हैं, पर अभी तक ना हाँ तो गर्भ है ना तो कुछ है, 5 महीने ना कैसे कुछ पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है, आप तो समझ समझ सकते हो, कोई गया किसी तरीका से पॉसिबल नहीं है 5 महीने का बच्चा बिल्कुल होना। बिल्कुल। हाँ 5 महीने में, 4वें महीने में तो वैसे भी चेकअप कराया जाता है कि बच्चा है भी या नहीं है, समझे। जी जी तो अब ये मेरी कहानी खत्म। बाकी फिर उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने कहा मुझसे 7 अमावस करो, मैंने अमावस कम से कम 10-11 करी, मैं इतनी पर्ची भेजूंगा आपके पास, मेरे पास इतनी पर्ची है कि कम से 100 से ऊपर पर्चियां होंगी अमावस की, ओहो 100 से ऊपर पर्चियां होंगी अमावस की, पूरे ढेर लगा के मैंने वीडियो फोटो खींच रखा है, मैं आपके पास सेंड करूंगा जी जी मुझे मिलने वाले, और मैं वीडियो क्लिप भी भेजूंगा जिन्होंने, इन्होंने ताल ठोक के कहा है। अब हाँ मेरी एक बात सर मेरी समझ, पहले आपके पास 200-250 वीडियो आई थी, हाँ 200-250 वीडियो आपके पास की, जिनके काम नहीं हुए पंडोकर धाम हाँ से, तो हाँ मुझे ये लगता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, शायद इन्होंने कोई उपाय नहीं करेंगे, कोई हाँ कर्म कांड नहीं करेंगे, कोई पूजा पाठ नहीं करी होगी, जी और जी खाली गुरु जी की पर्ची के ऊपर निर्भर रहे होंगे, इसलिए इनके काम नहीं हुए। हाँ तो मैं भी, आप वीडियो डालते तो मुझे भी गलत लगता था कि मेरे गुरुजी के खिलाफ इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं, और हाँ इनके ये लोग जबरदस्ती फालतू में ये बकवास कर रहे हैं, ऐसा धाम में नहीं हो सकती है। हाँ हाँ लेकिन जब कहते खुद पे भी थी, तब एहसास हुआ मैं कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि सर शक्ति उन पर है, मैं मानता हूँ। शक्ति कौन सी है, वो अगर कोई छोटी मोटी आसानी मसानी अगर कोई शक्ति है तो वो इतना है कि छोटा मोटी बात है, तुम्हारी जेब में क्या रुपया है, आधार कार्ड नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ये नाम पता बता सकती है, जो है होगी उन पे कोई छोटी मोटी शक्ति। लेकिन वो कहते हैं कि बजरंग बली की शक्ति है, और कितनी शक्तियां बताते हैं, अगर सर शक्ति शक्ति अगर बजरंग बली की वहां होती उनके पास, तो स्वयं बजरंग बली भगवान है, उनकी तारीख कभी गलत नहीं होती, वो बिल्कुल अगर सही तारीख जब वो देते हैं तो वो तारीख गलत होके, बजरंग बली की तारीख गलत नहीं होती, मतलब सही ईश्वर की तारीख झूठ हो सकती है। ईश्वर को केवल बदनाम किया गया, वहां केवल बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है कि यह बजरंग बली की शक्ति है, वहां केवल पैसा कमाने की सर एक विद्या कमाई गई है, क्योंकि तो वहां ओहो गरीबों को अमीरों को कुछ नहीं देखा जाता, वहां सिर्फ पैसे को देखा जाता है, अच्छा सिर्फ पैसे का महत्व है। उसके बाद में मैं गया, मैंने कहा मेरे काम नहीं हुआ, तो मैंने पहले आपकी वीडियो से पहले मैंने बहुत प्रयास करा कि मैं वीडियो क्लिप ना डलवाऊं, पहले मैं यही गुरु जी से पूछूं कि आखिर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हुआ। मैंने पूजा पाठ में कोई कसर नहीं छोड़ी सर, मैं अभी भी 11 दिन रुक के, इस महीने से पहले 11 दिन रुक के आया था, मैंने कहा शायद, अच्छा मैंने कहा वहां पूजा पाठ करूंगा, तो सुबह
सुबह पुष्पवती गंगा मैया में स्नान कर कर 11 माला हनुमान चालीसा 11 पंडुकर 40 सुबह पढ़ता था। फिर उसके बाद में सारे परिक्रमा लगाता था, वहाँ पंच अखाड़ा है, वहाँ 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को बैठता था, फिर बस शाम को मालाएं पढ़ता था। मतलब मैंने 11 दिन नियम अब करे लगातार 10 महीनों से डेली हर महीने जाता था मैं, कितना भी काम था अमावस टू अमावस पहुंचता था। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, पूजा पाठ करके बगैर करे चाय भी नहीं पीता हूँ घर में, मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार, लसन प्याज मांस मदिरा से बहुत दूर रहते हैं मेरे परिवार वाले जी। तो और इतनी पूजा पाठ करते हैं घर में सुबह शाम सभी, ये नहीं है कि गुरुजी की चक्कर में कि आप गुरुजी से जुड़े तो पूजा करते हैं, भाई जमाने से ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो पूजा पाठ करना तो स्वाभाविक है जी। तो सब नियम कर्म करते थे, तो मुझे ये लगा कि सारे कर्म मैंने बड़े श्रद्धा भक्ति से करे, रामायण की पर्ची वहां कटवाई, हमन की पर्ची मैंने कटवाई, सारा काम मैंने करा। एक चक्कर मेरा 10 से 15 हजार रुपए का लगता था गाड़ी से जी। खुद भी जाता था और दो चारों को और भी ले जाता, उनके भी काम नहीं हुए। अच्छा। इन्होंने कहा कि एक मेरे साथ के गए थे, उन्होंने भी 51 हजार रुपए की रसीद कटाई थी और इन्होंने कहा उनकी बहन को मतलब ससुराल से संपत्ति नहीं मिल पा रही थी, तो ये बोले कि जाओ तुम्हें 2 महीने में संपत्ति मिल जाएगी। उनकी संपत्ति भी उन्हें ना मिली, लड़की बेदखल हो गई, सामान भी उसे कुछ नहीं मिला, मतलब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे ससुर जी है, उनसे कहा कि तुम्हारी सास जो उनकी मैडम की तबीयत सही नहीं थी, तो उनकी मैडम से बोले कि जाओ तुम्हारी मैडम सही हो जाएंगी, ठीक है। वो आने के बाद 2 महीने में खत्म हो गई। मतलब कहा जाए तो सिर्फ सर्व पाखंड। और वहाँ जो मुकेश गुप्ता जी और सोनू जी हैं, एक नंबर के कामचोर आदमी है सर, कहूँ तो वहाँ के जो कर्मचारी है ना बिल्कुल लेदर आदमी है, वो ये समझते हैं अपने आप को कि हम मंत्री हैं, तो वहाँ शक्ति उक्ति का कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे ठगाई का। मुकेश गुप्ता जी से कहो कि उनके गुरु जी से मिलवा दो, मैं लगातार उनके पास 3 बार 10 बार मैंने फोन करे गुप्ता जी को, मैं जाके 3 बार हो आया, मैंने कहा गुरु जी से मुलाकात करा दो मेरी, ताकि मैं पूछ लूं कि ये काम क्यों ना हो, ना वरना मैं मुकदमा कोर्ट तक करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट में मुकदमा डालूंगा। मैंने पोस्ट भी करी है योगी और मोदी को, मैंने मोदी जी को पोस्ट भी करी है कि ऐसे ऐसे फला जगह पाखंड हो रहा, वहां सिर्फ लूट कसोट हो रही है, ईश्वर के दरबार में पैसों का काम नहीं होता। अब इन्होंने पहले दरबार लगाया, पहले बोले कि ऐसा है कि यहाँ पे जिनके काम ना हुए हैं वो आए, एक दिन पहले एक बार आपके कहने से आप लोगों ने जब एक्शन उठाया तो इन लोगों ने वो दरबार लगाना शुरू किया, उसमें हजारों आदमियों की भीड़ पहुंची जिसके काम नहीं हुए, लेकिन गुरुवर की आवाज आती है कि भैया 4 आदमी निकले जिसके काम नहीं हुए, सरासर झूठ बोला जाता है। कोई बात पहुंचता है कि मेरा काम नहीं हुआ तो उसे बोलने दिया ही नहीं जाता, उससे पहले उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, उन्हें ये है वो है फलाना है, तूने ये नहीं करा वो नहीं करा, तो हटा चले गए, उसे मौका ही नहीं दिया जाता। हजारों आदमी बगैर काम वाले घूम रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उस दरबार में कोई ऐसा तो निकले कि जो कहे उठा के अपनी पर्ची दिखा के कि फला तारीख में मेरा काम हुआ है। आज तक मुझे 3 साल से, मैं 2015 में भी गया था, अच्छा 2015 से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ, 2015 में भी गया था, तब भी मुझे वहाँ ऐसा नहीं लगा, उन्होंने उस टाइम भी मुझे जो बताया वो भी मेरा काम नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, जो आप वही कह रहे थे ना कि एक पहला प्रश्न आपका ये था कि वो धन वाला कि गड़ा धन निकलेगा, तो उसका क्या हुआ? कुछ ही नहीं सर, कोई सपना नहीं, मेरे पापा को बताया था इन्होंने कि मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी में उन्नति होगी, जिस दिन से आए हैं, जिस दिन से वहां से मिलकर आए, पहले तो उनके काम धंधे चलते भी थे, वो काम धंधे भी बंद हो गए आज के टाइम में, कोई काम धाम नहीं चल रहा। एक मेरा भाई अनमेरिड है थोड़ा, तो उसकी शादी के लिए पूछा कि उसकी शादी हो जाएगी 15 तारीख में, वो भैया किसकी शादी? कुछ नहीं हुआ और जबरदस्ती का बवाल और मच गया, ठीक है। मतलब मेरे भैया की, मेरे बड़े भैया हैं, मेरे बड़े भैया जो हैं तो उनकी आवाज मतलब पैराराइज हो गया था। अच्छा पर, और सर एक और चीज सुनिएगा, मेरे बड़े भैया आपके दरबार से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा और वो शुरू से जुड़े हुए हैं, और वो मुझसे पता है क्या कहते थे कि राहुल तू वहां जुड़ जा, तो मैं पता है उनसे खुद बता रहा हूँ सर, अपने दिल की भावना है, जब दिल पे चोट लगती है तो बोलने में कोई कसूर नहीं होता, तो मैं उनसे ये कहता था कि भैया यार जहाँ तुम जुड़े हो वहाँ कुछ नहीं है, मेरे पंडोकर धाम गुरु जी के यहाँ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। उनकी आवाज सही नहीं थी तो मैं उन्हें खुद लेके गया था, मैंने कहा यार तुम एक बार मेरे साथ चलो, हम भैया भैया हैं, लेकिन आपसे वो जुड़े हुए थे, मैं उनसे जुड़ा हुआ था, आप गुरु जी से जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरे कहने पर मैं ले गया, लेकिन उनकी आवाज में भी कोई संशोधन नहीं हुआ। मैंने भैया से कहा, मैंने कहा भैया यार मुझे अपने गुरु जी पे तो, हम दोनों के, हम भैया के आपस आपस में टक्कर चलती थी, वो
उन गुरुजी के कहते थे, मैं उनसे कहता था देखो मेरे गुरुजी ने 2 अक्टूबर 2023 को मेरे जुड़वा बच्चों की डेट दी है और भाई साहब 100% होंगे, आप गारंटी लगा लो, शर्त लगा रखो। हम भैयों में 50,000 रुपए की शर्तें तक लग गई थी, लेकिन सर आज मुझे सब कुछ नीचे देखना पड़ा कि मेरा कोई काम नहीं हुआ, 2 रुपए का वहां से कोई काम नहीं हुआ। मेरे पास सारी पर्चियां हैं, सारी कुछ अवेलेबल है। मैं समझता था लोग बा आपकी वीडियो पे डालते थे कि मेरा काम नहीं हुआ मेरा, मैं कहता सब फालतू बोल रहे हैं, इन्होंने कोई कर्म कांड नहीं करे होंगे, कोई उपाय नहीं करे होंगे। और मैं सबसे ज्यादा शिकायत वहां पे मुकेश गुप्ता जी और जो सोनू जो बैठते हैं धागे पे 100 रुपए दो 50 रुपए दो, बगैर रुपयों को तो वहां पे किसी को चढ़ाना नहीं है कोई, समझे। और आपकी वीडियो डालते डालते मैं एक बार पहुंचा था तो वहां इतना फर्क पड़ गया था कि पब्लिक आना ही बंद हो गई। मैं जब एक बार पहुंचा था वीडियो आपकी रुक गई बीच में, कहा वहां मैं जब पहुंचा था तो पब्लिक आना ही बंद हो गई। वहां क्या करते हैं कि जब देखते हैं पब्लिक कम है तो दरबार में 4 आदमियों को देखते हैं, पब्लिक उठाते ताकि पब्लिक बनी रहे, उन्हें रोके रहे दरबार में भीड़ जुटाने के लिए। अच्छा, अगर और ऐसे दरबार को सर बहुत जल्द बंद होना चाहिए, समझे। मैं खुद इतना विश्वास था, मेरे साथ में जितने थे किसी का काम नहीं हुआ, अगर एक काम भी हो गया होता और वहां की कृपा से 10% भी मेरे घर में कोई तरक्की हो गई होती जी जी, तो मैं पता नहीं क्या करता वहाँ के लिए। अच्छा, मुझे थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा, तो वहाँ पे जो हवन वगैरह क्या आपने करवाया है वहाँ का? अरे सब कुछ है सर मेरे पास, सब अच्छा, हवन के भी पैसे लगे थे कि ऐसे फ्री में हो गया था? अरे सर 40,000 रुपए में खर्चा आया, लोग तो 23,000 के आसपास, 26-27। अरे सर 23,000 तो नाम का है, देखो 21,700 वो बताते हैं, 2300 रुपया बर्तन के अलग काटते हैं बर्तनों के, और उसके बाद में फल फ्रूट अपने लेके आओ, वस्त्र अपने पहनो, और चढ़ावे पे कई 1,000 रुपए चढ़ावे पे चढ़वा देते हैं। अच्छा, इस तरह सब मिला के 40 पहुंच जाता है। हाँ, वहाँ केवल लुटाई है, वह कुछ नहीं है, सिर्फ गुरुवर अपना वो करता। अब वहाँ गुरुवर कहते हैं कि गांव में मेरी बहुत बड़ी वो है उन्नति, सच पूछो गांव में कोई भी उनकी तारीफी करने वाला नहीं है, इन्होंने अपने राम भैया इलेक्शन में जिताए, राम भैया इनके प्रधान है गाँव के, ठीक है, बूथ कैप्चर लेक्चर करके, मतलब वहाँ के गुरुजनता बता रही कि वोट नहीं डालने दिया किसी को। अच्छा, ये बताइएगा ये जो आपका अमावस्या का भी कुछ पैसा लगता था क्या? अमावस्या की सर पहले 500 रुपए की पर्चियाँ कटती थी। अच्छा, ये भी कटती थी। हाँ, तो मतलब कुल मिला के आपने वहाँ के सारे नियम फॉलो किए हैं जो जो बताया गया? का एक नियम फॉलो किया और आज तक की डेट में भी नियम फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन निष्कर्ष 2 रुपए का नहीं है वहाँ। ओहो, और वहाँ के कार्यकर्ता सोनू और मुकेश जी को तो मैं बार बार कहूंगा, इतने सर वो हिसाब की मैं दरबार के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि हम हैं, और मुकेश जी और इनकी आदत इतनी गंदी है। अरे अगर कोई इंसान परेशान होकर जा रहा है कि मेरा काम नहीं हुआ, मुझे गुरुजी से मुलाकात करवाइए, मेरा एक सूचना दे दीजिएगा, तो इनका सूचना देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ठुकरा के भगा देते, नहीं मिलना। मैंने मुकेश जी को 50 फोन कर लूंगे हर बार में, नहीं मिलेंगे, आप यहाँ आ जाओ। मैं वहां पहुंचा, वहां भी नहीं मिलने दिया मुझे, भाई अब नहीं होगा, अभी जाओ, समझे, टाइम नहीं है, समझे, हो जाएगा, कुछ ठेका ले लिया तुमने, मतलब गलतियां वो लौट फेर के हम में निकाल देंगे। अच्छा, मैंने सारे उपाय कर्म किए हैं, लेकिन अगर मैं मिलने भी जाऊँ तो सिर्फ क्या करेंगे कि मुझ में ही कोई ना कोई गलती निकाल के विदा कर देंगे। वहां ये 100% मैं गारंटी देता हूँ, जो भी देशवासी जो पहुंच रहे हैं वहां पे, मैं केवल यही सूचना दूंगा उनकी पर्चियों के आधार पे ना जाएं, क्योंकि भाग सिर्फ लुटाई 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 है, क्योंकि पर्चियों में लिखना ही महत्व नहीं होता, लिखने को तो क्या हमें पता है कि हमारे बच्चे नहीं है, वो पर्ची को तुम उतार दोगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो तारीख दे रहे हो उस तारीख पे काम होना वो बड़ी बात है। लिखने को तो हर जगह मेरे बैठ गए पर्ची छाप, कहीं भी पहुंच जाओ समझे कि भैया सब लिख देते हैं, लेकिन भविष्य का ज्ञाता और कोई नहीं है वहां पर। ये छोटी मोटी शक्तियां, क्योंकि भविष्य के जाता अगर बजरंग बली की सर शक्ति होती वहां पे, तो बजरंग बली की तारीख झूठी नहीं होती, ईश्वर की तारीख झूठी नहीं होती है, समझे। अगर हम कोई कर्म कांड भी नहीं करते तो ईश्वर पहले ही पहचान लेगा कि ये कर्म कांड नहीं करेगा, इसका काम नहीं होगा, तो वो पहले ही मना कर देंगे इस तारीख में काम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आप मुझे आप ये बताइए, मैसेज आपने समाज के लिए भी दे दिया है, सारी बातें हैं, ये जो आपने एक बात कही थी कि उसकी आपके पास वीडियो भी है जिसमें उन्होंने डंकी की चोट में कहा था कि आप वीडियो क्लिप है सर मेरे पास वीडियो क्लिप है ललितपुर दरबार की 27 तारीख की, मैं आपके पे डाल रहा हूँ वो। हाँ, मुझे आप वो भी भेज दीजिएगा। और सर और सुनो सर, 1 घंटे 12 मिनट पर, हाँ 1 घंटे 12 मिनट तक
आप चलाना उस वीडियो को। अच्छा ठीक है, 1 घंटे 12 मिनट तक जहाँ नाम बोला जाएगा राहुल पांडे सन ऑफ सीताराम पांडे नेहा पांडे। हाँ राहुल पांडे सीताराम पांडे, मेरी मैडम पहुंचेंगी, मैं नहीं पहुंचूंगा, नेहा पांडे नाम की जो बताएंगी ये मुरादाबाद से आई हूँ। 1 घंटे 12 मिनट पे आप चालू करना। मैं बिल्कुल उसको देखता हूँ। अच्छा आप मुझे बताइएगा, मैं आपका जो मेरी आपकी वार्ता हुई है जी, तो ये पूरी रिकॉर्डिंग हुई है उसकी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैं उसकी वीडियो बना के डालूं तो कोई आपको आपत्ति तो नहीं है? नहीं सर कोई आपत्ति नहीं है, मैं डालने को ही डाल लो, और मैं तो कह रहा हूँ मेरा नंबर भी आप डालिए उसमें। ठीक है मैं आपका नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि अगर कोई पार्टी कहती है अपना नंबर डालने के लिए तो बिल्कुल डाल देता हूँ, बकाया अगर मना करते हैं तो नहीं डालते, पर आपका हम डालेंगे। जी जी हाँ, मेरा अच्छा, नंबर भी आप डालिए। जी जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मेरे पे कॉल आए, मैं तो जो क्योंकि मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने बात करने की कोशिश करी, मैंने मुझसे मेरे किसी से बात नहीं करने की, मैंने सोनू जी को भी फोन लगाया, मैंने मुकेश जी को भी कहा, मैं 3-3 बार गया भी समझे, मैंने सबको फोन करी, उनके जितने भी कॉन्टेक्ट है, मैं भाभी गया, भाभी मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरी मुलाकात करा दो, किसी ने नहीं कराई। मेरा नंबर जाना चाहिए, मैं रुपये मैं एकदम 2.5-3 लाख रुपये खर्च करता हूँ। आपने अच्छा 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो गया? 2.5-3 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं सर वहाँ पर। ओहो तो मैं आपका, आपने कहा वीडियो सॉरी फोन नंबर डालने का, हम उसमें जरूर स्क्रीन में ही डाल देंगे, जिससे आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़े और वो आपसे संपर्क कर लें। हम तो चाहेंगे कि आपका काम हो जाए, और अगर नहीं हो रहा है तो समाज तक मैसेज चला जाए, जिससे कि समाज को ओरिजिनल स्थिति सामने आए सर, और ऐसे दरबार बंद होने चाहिए। जी जी अच्छा, एक जानकारी और लूंगा, आपने शायद ये बताया कि मोदी जी के लिए भी आपने लेटर वगैरह फैक्स किया है? मैंने मोदी जी को भी फैक्स किया है, मैंने योगी जी को फैक्स किया है, और मैं अपने लोकल थाने में भी FIR कराने जा रहा हूँ। हाँ वो आप करवाइए, और जो फैक्स किया है उसकी भी मुझे कॉपी आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक सर मैं करवा दूंगा, और अपनी एक फोटो सेल्फी खींच के वो भी मुझे आप भेजेंगे, क्योंकि आपकी फोटो तो हमें लगानी होती है सामने। जी सर, और ये चीजें आप भेजिए, मैं बिल्कुल वीडियो बना के तुरंत डालता हूँ। ठीक सर, मैं इसी नंबर पे डालूँ सर? जी जी जी, इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज इसमें डालिए, और मैं बिल्कुल बना के डालता हूँ। मैं सर अभी 2 मिनट में डालता हूँ। ठीक है सर, जी जी हाँ, जय माता की, जय माता की।